नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की दरियादिली। रायसेन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा ने एक बार फिर दरियादिली दिखाई। अपने बेटे की गांजा पीने की लत से परेशान होकर बुजुर्ग महिला जब अमृत मीणा से मिली तो उन्होंने महिला के साथ खुद उसके घर जाकर बेटे को समझाइश दी। बेटे ने भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सामने अपने गांजा पाए पीने की चलम को तोड़कर फेंक दिया और गांजे की पुड़िया को भी आग लगा दी। एक बुजुर्ग महिला हरिबाई अपने बेटे के गांजा पीने की लत से परेशान होकर शिकायत करने जब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा के पास पहुंची तो उन्होंने उस महिला को अपनी गाड़ी में बिठाकर उस महिला के घर जाकर बेटे मिंटू को समझाइश दी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा ने बताया। रायसेन संवाददाता अली हसीन की रिपोर्ट। सर, क्या मामला था, आज आप पीड़ित महिला के घर पहुँचे उसके बेटे को समझाने के लिए? ये रायसेन शहर की एक महिला है, हीराबाई। ये अपने बेटे पिंटू के लगातार गांजा पीने के कारण बहुत परेशान है। इनका ये कहना था कि पिछले 4 साल से इनका बेटा गांजा पीकर घर में मारपीट करता है, घर का सारा सामान बेच देता है, मोहल्ले पड़ोस के लोग भी परेशान हैं। इन्होंने इसे नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा था, लेकिन कुछ समय तक ठीक रहा है, इसके बाद में फिर से इन्होंने पीना शुरू कर दिया, जिसके कारण पूरा घर परेशान है। इस आशय का इन्होंने थाने में भी आवेदन दिया था। आज मेरे ऑफिस में भी आके इन्होंने आवेदन दिया और उसमें इन्होंने ये मांग की कि जेल भेजने से इनकी समस्या का समाधान नहीं होता, कैसे भी इनके बेटे को उचित समझाइश दी जाए जिससे कि गांजा पीने की बीमारी से मुक्ति मिल जाए। इस सिलसिले में हमने इस केस को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया और ख़ुद हीराबाई को अपने साथ लेकर उनके घर आए। आके जब हमने इनके बेटे को समझाया तो उन्हें अपनी गलती का फ़िलहाल एहसास हुआ है। उन्होंने अपनी चिलम और थोड़ा सा जो गांजा मिला था उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। साथ ही उसने ये आश्वासन दिया है कि भविष्य में वो ना तो खुद गांजा पिएगा और ना ही अपने घर वालों को परेशान करेगा। एस वी साहब के बंगला पे आई, एक बार और तय गई थी आवेदन। मैंने कही जब भी कछु सुनवाए नहीं भाई तो फिर जाऊँ। पूरा घर परेशान है, गाड़ी गुप्तार करे, रात के नीचे लड़ पारो, पंडित जी मारो, गर्दन पकड़ ली बेचारे बिन्ने, रिपोर्ट मपोर्ट नहीं करी हमरे मार। और जब हम देखो कितनी 3-4 साल हो गए जब से हम जाके सबर कर रहा है, मोड़ो की गर्दन पकड़ ले, 10 दे दे 20 दे दे, नहीं दे तो बस बाको हर का सामान मिल जाए बाहर वो बेच देते हैं, गेट बेच दो, बाने सब परसू भी कबाड़ मिल जाए, बच नहीं सके बाकी मार। इतना परेशान पापा सवेर के लो चुपचाप खड़े रहे, इनके लो ऐसे उठा के वहाँ फेंक दूँ। मिंटू कहते हैं स्कूल को नाम आवेश है वो, हाँ गाँव जो पी थे 2 महीना नशा मांगती मैं राख भी दाओ, अब मेरे का ना पैसा नहीं, मैं 10-10 रुपये सामान किले पे बेचूँ, देख रहा है मैंने वहाँ में पैसा बहुत लगा दा, मैं परेशान होंगी, मैंने वो पैसा ही नहीं, 2 महीना रे आओ कॉल हार। हाँ, एस वी साहब के बंगला पे आई। क्या नाम उसका? मेरा नाम हरिवाल। क्या